में बात करने वाली हूँ मैं ये डॉक्टर रेड्डीज के एक्रोफी लोशन के बारे में, जो कि ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए बना हुआ है। बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट इसको रेकमेंड करते हैं। और जो आप भी कोई एक ऐसा मॉइस्चराइज़र देख रहे हो जो आपकी ऑयली स्किन को और एक्ने प्रोन स्किन पे सूट करेगा, तो आप ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इसमें मैं बताऊँ इस प्रोडक्ट के बारे में बताऊँगी और मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू भी शेयर करूंगी कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा इस लोशन के साथ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जान लेते हैं इस लोशन की खास बात क्या है और ये क्या क्या क्लेम करता है। तो ये जो लोशन है ये फ्रेग्रेंस फ्री है, नॉन कॉमेडोजेनिक है, ऑयल फ्री है। ये लोशन क्लेम करता है कि ये 24 आवर्स आपके स्किन को हाइड्रेट करेगा और सीबम को कंट्रोल करता है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है जो कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट है एक्ने प्रोन स्किन के लिए और ऑयली स्किन के लिए। ये जो लोशन है आपको इजीली ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी मिल जाएगा। इसके एमआरपी की बात करूँ तो इसमें 518 मेंशन है, पर आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट के साथ ही मिल जाएगा। और सेल्फ लाइफ इसकी 2 ईयर्स है, 2 साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो बिल्कुल लिक्विड क्रीमी इसकी कंसिस्टेंसी है, जिसको आप एज अ सीरम भी अप्लाई कर सकते हैं, एज अ फेस मॉइस्चराइज़र भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही कम क्वांटिटी इसकी लगती है। ये पूरा बॉटल आप 2-3 मंथ्स तक यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है, जब आप अपने फेस पे इसको लगाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपने फेस पे कुछ लगाया भी है। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो होती है किसी भी प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट। तो ये मिलके बना हुआ है प्यूरिफाइड वाटर, इसमें ग्लिसरिन है और प्रोपिलीन ग्लाइकॉल है, जैसे कि स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है। इसमें नियासिनामाइड है, जिसके कारण ये एक्ने पिंपल को रिड्यूस करता है, पिगमेंटेशन को भी ये कम करता है। और इसमें है सॉर्बिनेट लॉरेट, जो कि एक टाइप का लैक्टिक एसिड होता है। इसमें और भी सिट्रिक एसिड है, बहुत कुछ कुछ एसिड्स वगैरह हैं। और मुझे इसके कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था कि ये आखिर है क्या, जैसे कि इसमें है स्टेरल अल्कोहल। तो जो स्टेरल अल्कोहल होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये स्किन को डैमेज नहीं करता है, कोई भी इरिटेशन इससे स्किन को नहीं होते हैं। जो लोशन है ये पैराबेंस फ्री नहीं है, पैराबेंस होते हैं प्रिजर्वेटिव। तो ये आपकी स्किन के लिए हार्मफुल है या नहीं, ये डिपेंड करता है कि वो कितनी क्वांटिटी में यूज़ किए गए हैं। अब इसमें क्वांटिटी वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं है। इस प्रोडक्ट की बात करूँ तो कहीं भी इसके आपको नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं मिलेंगे, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो गूगल हो, और चाहे वो अमेज़न हो, कहीं भी आपको इसके नेगेटिव रिव्यू नहीं मिलेंगे। और इसके इतने अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ देख के ही मैंने इसको परचेज़ किया। तो बात करती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के साथ कैसा रहा। पिछले 1 महीने से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज़ करता है, पर एक ऑयली स्किन को इतने ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन की, इतने ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। इवन मेरी स्किन को तो नहीं है, मेरी जो स्किन है वो एक्सट्रीम ऑयली है। और जब मैं इसको लगाती हूँ तो कई बार तो मेरी स्किन और ज़्यादा ऑयली हो जाती है। मतलब ये सीबम को कंट्रोल तो बिल्कुल भी नहीं करता है, बिल्कुल भी मेरी स्किन ऑयल फ्री नहीं लगती है। पर हाँ, अगर आपकी ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, तब ये बहुत अच्छे से काम करेगा। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जब इसको ठंड के दिनों में यूज़ करते हो, जब बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, तब ये अच्छा काम कर सकता है। या फिर आपकी ऑयली या एक्ने प्रोन स्किन है, आप कोई ऐसा ट्रीटमेंट ले रहे हो जिससे कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, तब आप इसको यूज़ करते हो, तब ये अच्छा काम करेगा। कहते हैं कि इसने मेरे एक्ने पिम्पल की प्रॉब्लम को दूर किया। तो जब मैंने इसको लगाया तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मेरे पिम्पल्स दूर हो गए। हाँ, पर जो थे वो बड़े भी नहीं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपको कोई ऐसा मॉइस्चराइज़र मिल रहा है जो आपके पिंपल की प्रॉब्लम को ना बढ़ाए, तो वो भी अच्छी बात है। पर ऐसा नहीं है कि आप इसको बस लगा लोगे और आपके पिंपल्स दूर हो जाएंगे। तो इसने ऐसा मेरे ऊपर तो कोई काम नहीं किया। ये जो लोशन है आप इसको दिन में लगा सकते हैं, रात में भी लगा सकते हैं। दिन में लगाते हो तो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी मत भूलिए, और रात में लगाते हो तो रात में बहुत सारे लोग अपने कोई ट्रीटमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, तभी आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपको पहले इसको लगाना है, 1-2 घंटे तक इसको लगे रहने दीजिए, जब तक ये सेट हो जाएगा। इसके बाद आप अपनी जो भी क्रीम है, जो भी आप ट्रीटमेंट वगैरह यूज़ कर रहे हो, वो आप लगा सकते हैं। तो मुझे ये लोशन बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं कहूँ कि एक होना ही चाहिए।
हाँ पर अभी विंटर्स आ रहे हैं, आपको एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र देख रहे हो, आपकी स्किन ड्राई हो रखी है तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपकी स्किन ड्राई है, आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, आपको एक्ने पिंपल में प्रॉब्लम है, आपको कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र परचेज़ करना है तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। पर अगर आपकी एक्सट्रीम ऑयली स्किन है और ऑलरेडी एक्टिव पिंपल है तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपको इसको यूज़ करना चाहिए, आप इसको यूज़ ना करें। सो आई होप आज का ये ऑनेस्ट रिव्यू मेरा पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे जब भी मैं अपने वीडियोस अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।